हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सीखेंगे कि डेल्टा एचएमआई में हम टॉगल बटन या मेंटेन बटन या ऑटो मैनुअल कफूस बटन कैसे बनाते हैं। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो को लास्ट तक के देखते रहिए। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, ऑटो मैनुअल सिलेक्शन के लिए हमने प्रोग्राम बनाया कि हमारे मशीन ऑटो में कैसे चलेगा और मैनुअल में कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम एचएमआई में कैसे प्रोग्राम करेंगे। हमने ऑटो मैनुअल के लिए यहाँ पे एक 90M90 बिट लिया है ऑटो और मैनुअल के लिए। तो अब अगर हमें इसे एचएमआई के थ्रू ऑपरेट करना है तो एचएमआई में कैसे प्रोग्राम करेंगे। सबसे पहले एचएमआई का प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं, यहाँ पर जाते हैं बटन में, बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारी लिस्ट ओपन होती है, यहाँ पर आता है मेंटेन बटन। मेंटेन की जब तक हम एक बार प्रेस कर दें तो ऑटो और एक बार और प्रेस करें तो मैनुअल, मतलब होल्ड हो जाएगा। जब एक बार प्रेस करेंगे होल्ड होकर रहेगा वो, जैसे ही एक बार फिर दूसरी सेकंड टाइम प्रेस करेंगे तो वो रिलीज़ हो जाएगा। तो ऑटो ऑन और एक बार और प्रेस करेंगे तो ऑफ, तो ऑटो मैनुअल। उसके लिए हमें मेंटेन बटन को लेना होता है, मेंटेन बटन या टॉगल बटन। तो ये हमारे पास मेंटेन बटन, हमने यहाँ पर इंसर्ट कर ली। अगर हमें इसके यहाँ पर इसका पिक्चर इंसर्ट करनी है तो यहाँ से पिक्चर बैंक से पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन होगा। यहाँ पे पिक्चर में जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पिक्चर बैंक ओपन हो जाएगा। हमें किस टाइप की बटन चाहिए वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बटन दिए होते हैं, हमें किस टाइप का बटन चाहिए तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटो हमारा जीरो में इस तरह से देखा, स्ट्रेच ऑल कर देते हैं पूरे इसमें आ जाएगा एरिया में। और मैनुअल में एक और पिक्चर लगा देते हैं, यहाँ पे हम ये कि डाउन है, दबा हुआ है तो इस तरह से दिखेगा, उठा हुआ रहेगा तो इस तरह से दिखेगा। ये ऑन की कंडीशन में इस तरह से, ऑफ़ की कंडीशन में इस तरह से हमारा बटन दिखेगा। अगर यहाँ पे हमें लिखना है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारा ऑटो में है, ऑटो फॉन्ट साइज हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर हमें कलर चेंज करना है बटन का तो हम वो टैक्स का, तो हम यहाँ से टैक्स का कलर भी चेंज कर सकते हैं। और हम जीरो की कंडीशन ये हो गया, मैनुअल में यहाँ लिख देते हैं मैनुअल। तो ऑटो मैनुअल हो गया, इस तरह से दिखेगा हमें। इसका कलर भी चेंज कर देते हैं हम, तो इस तरह से हमारा दिखेगा बटन। अभी हमने एड्रेस डिफाइन नहीं किया, हम यहाँ पे एड्रेस ले लेंगे M90 हमारा है एड्रेस 90, इंसर्ट कर देते हैं। कॉपी करके रीड और राइट दोनों में पेस्ट कर देते हैं। तो M90 था हमारे पास 90। अब हम इसे HMI में डाउनलोड कर, सबसे पहले कंपाइल करते हैं, अगर कोई एरर होगा या शो करेगा। अगर हम इसे डाउनलोड कर देते हैं, हम यहाँ से इसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। अभी अगर हम इसको ब्लैक कर देते हैं इसका बैकग्राउंड, तो हमारा बटन इस तरह से क्लियर दिखेगा। तो इस तरह से HMI में हमने मेंटेन बटन बना दिया। अब हम इसे ऑन ऑफ करके देख सकते हैं, ये ऑन ऑफ हो रहा है। हम प्रोग्राम में देखते हैं ऑनलाइन करके, ये प्रोग्राम में ऑन ऑफ हो रहा है। हमने प्रेस कर दिया, अभी होल्ड हो गया, ये तो ऑटो मैनुअल सिलेक्शन हो गया। जब तक हमें ऑटो में रखना है तो
अब प्रेस कर देंगे तो मैनुअल ऑटो, इस तरह से ऑटो मैनुअल का प्रोग्रामिंग हम पीएलसी में और एचएमआई में इस तरह से करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स जाके कमेंट्स करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा।